Assalamualaikum, I am dermatologist Dr. Hafiz Haroon. Uh, I practice in DHA Phase 2 Novi Med Specialist Clinic. Today the topic of discussion which uh, was uh, is actually treatment of stretch marks. स्ट्रेच मार्क्स के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि जी हमें स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट चाहिए या कोई ट्रीटमेंट होता भी है या नहीं होता बहुत सारे ऑब्वियसली स्ट्रेच मार्क्स के ना कॉजेज़ हैं कुछ कॉजेज़ को हम अभी एलेबोरेट uh, कर लेते हैं थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ ऑब्वियसली हंड्रेड तो हम नहीं कवर कर सकेंगे तो uh, जो स्ट्रेच मार्क्स हैं जिस तरह बहुत सारे जो हमारी यंग जनरेशन है जब वो जिम जॉइन करते हैं तो जब मसल्स बिल्डअप हो रहे होते हैं तो वहाँ से कुछ पर्टिकुलर एरिया से जैसे ये शोल्डर वाला एरिया है या बाइसेप ट्राइसेप वाले एरियाज हैं या कुछ लोगों का जो ये एब्डोमिनल एरिया है जब यहाँ पे मसल्स जो हैं वो बिल्डअप हो रहे होते हैं तो साथ स्किन भी स्ट्रेच हो रही होती है तो स्किन वहाँ से थिन होना शुरू हो जाती है जिसको हम लोग स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं या ले मैन लैंग्वेज में स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है एक तो ये होगी स्ट्रेच मार्क्स की टाइप सेकेंड टाइप इसमें यह है कि अगर कोई पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेट है और उन्होंने वेट लूज़ किया है वेट लूज़ करने के बाद भी स्किन वहाँ से ढीली सी हो जाएगी और वहाँ पे ऐसे फीबल सी स्किन लगेगी तो उसमें भी स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी लोगों के अपीयर हो जाते हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा इसमें अभी हम जो डिस्कस करेंगे और थर्डली बहुत सारी जो फीमेल्स हैं पोस्ट प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो अब पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसका भी अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है इन सब टाइप ऑफ स्ट्रेच मार्क्स का एक्चुअली ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं जैसे मैंने अभी बताया है कि यहाँ से स्किन थिनिंग हो जाती है जब वहाँ पे नीचे मसल्स जो हैं या जिस तरह प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं तो एब्डोमेन जब आ, इसमें डायलेट होता है तो स्किन भी स्ट्रेच हो जाती है अब स्किन वहाँ से स्ट्रेच भी हो गई और थिन भी हो गई तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो अभी माइक्रो नीडलिंग की हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं अब मैंने एक दो वीडियोस में इसका डिस्कशन की है तो माइक्रो नीडलिंग है या मीज़ोथेरापी है वो हम इसके लिए कर सकते हैं उससे ये होता है कि हम जो आ, थिन स्किन है उसको हम लोग थोड़ा स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी हम ऐड करते हैं कुछ सीरम्स ऐड करते हैं जिनसे वहाँ पे स्किन नेचुरली ग्रो करना शुरू कर देती है या हील अप होना शुरू हो जाती है तो फिर वो स्किन की जो थिनिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है और इसके अगर हम फाइव टू सेवन या फ़ाइव टू एट सेशन ले लें तो तकरीबन एट्टी जो है ये स्ट्रेच मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं हील अप हो जाते हैं तो ये आज का हमारा मेन टॉपिक था अगर इसके बारे में आपको कोई फ़र्दर डिटेल डिस्कशन करनी हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू कम एट माई क्लिनिक एंड डिस्कस विद मी थैंक यू